जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं लाहौर से। तो आज हमारा दियोसाई का ट्रिप था, कुछ टेक्निकल वजूहात के बिना पर सुबह 9 बजे निकलना था, डिले हुआ है। अब हम 11 बजे निकल रहे हैं, अब हमने दोनों गाड़ी स्टार्ट कर लिया। ये हमारे एजाज साहब है, मिस्टर एजाज, हम इनकी क़यादत में दिसाई जा रहे हैं। आप कुछ बोलना पसंद फरमाएंगे जी? वहाँ हमारे क्या प्लान होंगे? इंशाल्लाह हम अभी यहाँ से दिसाई के लिए निकलेंगे और रास्ते में हम सतपारा लेक, सतपारा गांव, दियोसाई टॉप और सारी चीज़ों का इंशाल्लाह विज़िट करते हुए दियोसाई की पूरी इंशाल्लाह हम विज़िट करेंगे शाम तक। इंशाल्लाह हमारे साथ आपका सफ़र इंशाल्लाह खुशगवार गुजरेगा। थैंक यू सो मच, आपको फिर हम ले जाएंगे दियोसाई। रास्ते में आपको सतपारा, सतपारा से फिर इसे सतपारा विलेज, इसके बाद दियोसाई टॉप, इसके बाद बड़ा पानी, शोशर लेक, ये सब हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ये ट्रेवल लॉन्च कर दो है, यहाँ पे हमारे मेहमान स्टे किए। कैसा लगा आपको स्कर्दू का टूर? स्कर्दू बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, इधर की हर जगह ही बहुत अमेजिंग है। अच्छा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं दियोसाई, जा रहे हैं दियोसाई, वहाँ पे फिर हम खूब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंजॉय करेंगे और हमारे साथ दियाज भाई हैं, हमें बहुत इंजॉय होगा आज टॉप पे पहुंचे हैं, इंटर हुए हैं। देखें इनका हाल, देखें अभी हम लोगों ने सफर का आगाज किया है। ये देखें ठंड के मारे ये हम चाय एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा एजाज है, एजाज कदर बेहतर लग रहे हैं एजाज, बाकी सबका हाल आप चेक करें, खुद चेक करें। पोलर बियर चेक कर रहे हैं। This is our polar beer. This is our polar beer. From Lahore. हम कहाँ पहुँचे? दियोसाई प्लेस. Roof of the world. थोड़ी देर लगी.
क्यूटी वेट कहते हैं ना लोग कहावत है कुदरत का निज़ाम, नेचर को ज़रा आप चेक करें, उस ज़ात परवरदिगार ने इस मुल्क को क्या खूबसूरती से नवाजा है। ये इसे कहते हैं परियों का मस्कन, परियों का मस्कन, खूबसूरत परी मतलब यानी हमारे लघवी मानी है खूबसूरत लोग, खूबसूरत लोगों का मस्कन है ये, परियों का मस्कन इसे कहा जाता है। द्यो साई, द्यो, द्यो से निकला है द्यो साई। ये खूबसूरत देखिए ये ग्लैम्स, द्यो साई ग्लैम्स का नज़ारा ये आप देखें। आप देखने में जब ये इतना खूबसूरत हैं तो जब लोग यहाँ आ जाते हैं ये पानी के किनारे पे जो कैंपों में जब आप नाइट स्टे करते हैं, सुबह जो उठने का जो एक नज़ारा होता है, कुदरत का जो हसीन जो नज़ारे हैं वो देखने काबिल दीद होंगे। वो खूबसूरती जो है ना मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, बाकी आप देख के ही अंदाज़ा लगाएं। ये देखें और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की तादाद इस कदर मौजूद है कि यहाँ पर एंजॉय के लिए एक बेस्ट मौसम। क्या आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ यहाँ तक आओगे, लाहौर से पाकिस्तान के इस कोने तक आओगे और इसको जो कहा जाता है ना रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो आपने कभी ऐसा सोचा था? हमने तस्वीरों में बहुत दफ़ा देखा लेकिन रियलिटी में फर्स्ट टाइम ऐसे व्यूज़ देखे। तो हमारे एक चाम होता ना कि जब अल्लाह की कुदरत में ये अल्लाह ने कैसा समा बना दिया, बिल्कुल सुभान अल्लाह। ये एक हमें अल्लाह ने तोहफा दिया, देवसाई तोहफा है हमारे मुल्क के लिए। और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर आएँ, इसको विज़िट करें, इसके यहाँ पर एक्सप्लोर करें और यहाँ के लोगों का इखलाक चेक करें। माशाल्लाह कि एक दूसरे के साथ ऐसे हैं जैसे भाइयों के हैं, मेहमान नवाजी के लिए। ये यहाँ पे एक होटल का सेटअप है बड़े पानी पे, यहाँ पे ये पाकिस्तानी परचम बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तानी परचम जो है सामने। बनों को भी साथ आता हूँ, उनको लेके आता हूँ। जी जी, तो हमारी स्पेशल भाई हैं सारे। जी जी, मतलब खास मखसूस एक
बहुत ही खास किस्म के हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। चले हम उन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ पहुँच के आपके क्या तासुरात हैं। जी शेख भाई, जनाब बेहतरीन। इधर स्कर्तों की हर एक जगह ही बेहतरीन है, इसकी हर यूनिकनेस है, हर जगह की। बशु वैली जाए उसका अपना एक चार्म है। जी जी, बोला तो नहीं है, चाहिए। जी जी, गोली चाहिए। पे माशाल्लाह बहुत पुरसकून, अल्लाह ने बहुत माशाल्लाह अपनी कुदरत का नज़ारे दिए हुए यहाँ पे। हम सबको कहेंगे कि यहाँ पे जरूर आए। अपने स्पेशल आवाज सच गया है, देखो मेला जब पकेगी सिर्फ मोहब्बत वादी है बल्तिस्तान की है, देखो दुनिया पे जन्नत वादी है बल्तिस्तान की है, देखो दुनिया पे जन्नत संग अपने लेकर खुशियों के अंबार लाया फंस गई है बहुत बुरी तरह, बिकॉज के एक गाड़ी यहाँ पर पीछे ख़राब हो गई थी और सारे उनकी हेल्प के लिए ब्रिगेड आई है और सारे यहाँ से हमारी गाड़ी, उसकी वजह से दूसरा रूट हमें साइड से होकर के आना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो ये पार्ट ऑफ द होते हैं थोड़ा बहुत। ये लेट्स गो, ये हमारे मोटर बाइक। खूबसूरत श्योसा लेक और हमारे आज का लास्ट पॉइंट ये हमारे वलीद और उमर भाई के साथ। ये देखें इंतहाई खूबसूरत है, जो है ना सूरज भी अपने आबोताब के साथ झील के और इन्होंने मुझे साथ लेकर आए। वीडियो वाले हैं ये इनके असली चेहरे हैं। कैसा लगा हमारा मजाक? हम रियाज सरफाएंगा।